ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, धीरे धीरे अपना ध्यान नाक के आसपास अपनी सांसों पर लेकर आएं। पूरी तरह सजग और सचेत होकर आती और जाती सांस को लगातार देखते रहें। अगर सांस लंबी है तो जाने की लंबी है, अगर सांस छोटी है तो जाने की छोटी है। केवल जानना है सांसों के साथ, कोई अभ्यास ना करें अपनी सांसों को, यथारूप देखते रहें। सांस जैसी है वैसी है, उसे उसी तरह से देखते रहें, केवल देखें। आँखों को बंद रखते हुए अपने मन की आँखों से अपने पूरे शरीर को देखें, सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक। अंदर सांस लेते हुए पूरे शरीर को महसूस करें, बाहर सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को महसूस करें। भीतर सांस लेते हुए पूरे शरीर को शांत करें, बाहर सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को शांत करें।
अपनी संवेदनाओं को महसूस करें भीतर सांस लेते हुए हर्ष का भाव जगाएं, बाहर सांस छोड़ते हुए हर्ष का भाव जगाएं। भीतर सांस लेते हुए सुख की अनुभूति करें, बाहर सांस छोड़ते हुए सुख की अनुभूति करें। भीतर सांस लेते हुए अपनी संवेदनाओं को देखें, बाहर सांस छोड़ते हुए अपनी संवेदनाओं को देखें। संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना है, उन्हें अच्छा या बुरा नहीं समझना है, केवल देखना है एक दर्शक की तरह। भीतर सांस लेते हुए संवेदनाओं को शांत करें, बाहर सांस छोड़ते हुए संवेदनाओं को शांत करें। मन मस्तिष्क में तरह तरह के भाव और विचार चलते रहते हैं, उन्हें एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखने का प्रयास करें। दूर से ही देखें, जैसे हम आकाश में बादलों को आते और जाते देखते हैं। किसी भी विचार में उलझना नहीं है, किसी भी विचार पर देर तक टिकना नहीं है।
अगर ध्यान भटकता है तो उसको वापस अपनी सांसों पर लेकर आए। हम तप कर रहे हैं, पूरी तरह से सजग सचेत होकर बैठें, शरीर सीधा, आंखें बंद, पूरा ध्यान आती और जाती सांसों पर। भीतर सांस लेते हुए प्रसन्न चित्त हो, प्रसन्न चित्त होकर बाहर सांस छोड़ें। भीतर सांस लेते हुए आते जाते विचारों को केवल देखें, बाहर सांस छोड़ते हुए आते जाते विचारों को देखें, किसी भी विचार पर टिकना नहीं है, उन्हें मात्र आते और जाते देखना है। भीतर सांस लेते हुए मन को स्थिर करें, बाहर सांस छोड़ते हुए मन को स्थिर करें। भीतर सांस लेते हुए मन को मुक्त करें, बाहर सांस छोड़ते हुए मन को मुक्त करें। मन को पूरी तरह मुक्त करके खुले आकाश में उड़ते एक पंछी की तरह अनुभव करने दें। कमर सीधी,
पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरी तरह मुस्तैद, पूरी तरह सचेत, अपनी सांसों का आवागमन देखते रहें। समस्त भौतिक और मानसिक प्रक्रियाएं अस्थाई हैं। यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से यह जानते हुए भीतर सांस लें और बाहर सांस छोड़ें। उदय होना और अस्त हो जाना प्रकृति का नियम है। जीवन की नश्वरता को देखते जानते हुए भीतर सांस लें और बाहर सांस छोड़ें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना सुख में बहुत सुखी होना है, ना दुख में ज़्यादा दुखी। समभाव रखना है हर परिस्थिति में, सम या विषम परिस्थिति में समभाव रखें।
भीतर सांस लेते हुए समता भाव का अनुभव करें, बाहर सांस छोड़ते हुए समता भाव का अनुभव करें। जीवन में आवश्यक और अनावश्यक क्रियाकलापों में हम अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से भेद करना सीख सकते हैं। दोनों में फर्क अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जान सकते हैं। अकुशल कर्मों का त्याग करें, कुशल कर्मों को संचित करें, अकुशल कर्मों का त्याग और अनावश्यक क्रियाकलापों से मुक्ति, इस पर अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से हमें काम करना है। भीतर सांस लेते हुए त्याग का अनुभव करें, बाहर सांस छोड़ते हुए त्याग का भाव जगाएं। आज के तप से जो हमें शांति प्राप्त हुई है उसको अनुभव करें। शरीर को विश्राम देते हुए मन को प्रफुल्लित करते हुए सारे संसार के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करें, मैत्री भाव जगाएं, मित्र भावना जगाएं।
इस संसार के सभी प्राणी सुखी हों, किसी को दुख न हो, सभी निरोग हों, निरामय हों, निर्भय हों, निर्बैर हों, हर एक प्राणी का मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। जो जो यहां तप करने आए, आप सबका भी तथागत खूब कल्याण करें, खूब मंगल हो। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ध्यान पूरा हुआ, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं, आसन को ढीला करें, आंखों को खोल लें।